साइकलॉप्स। वो खुद चल कर आएगा और घुटने टेकेगा अपने। क्या आपका कोई बेटा है? क्या वो भी सिपाही बनना चाहता है? आपने कहा था हम आज बाहर जाएंगे। हाँ बेटा, कहा था, लेकिन सिल्वर आंटी की तबीयत ठीक नहीं है ना। पहले उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो मैं खुद आपको ले जाऊंगी। नहीं, मुझे खिलौना चाहिए। ठीक है, अगर हम बाहर गए और आंटी को हमारी जरूरत पड़ी तो कितना बुरा लगेगा? क्या आप चाहते हो कि हम उनकी मदद करने के बजाय बाहर घूमने चले जाएं? ये तो बहुत बुरी बात होगी ना। आंटी ठीक हो जाए तो फिर मैं आपको खुद बाहर लेकर जाऊंगी और बहुत सारे खिलौने भी दिलाऊंगी। ठीक है मेरा प्यारा बेटा, बहुत अच्छे हो तुम शहजादा मेरा। मैं उसको यहां ला कर ही दम लूंगा। ये कैसे कर पाओगे तुम? मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं पूरी, और तुम लोग देखोगे कि वो यहां आएगा जरूर, और वो भी अपने पैरों पर खुद चलकर। वैसे अब आप अपने मंसूबों में हमें शामिल नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझो तुम। वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, जब वक्त आएगा तो सबको सब मालूम हो जाएगा। तुम देख रहे हो ना उस लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए जो ऑपरेशन हुआ, उसकी कामयाबी के चर्चे हर जगह हैं, और अब कैप्टन को पकड़ने के ख्वाब देख रहे हो तुम। तुमने अपनी हिमाकत से उस लेफ्टिनेंट को जाने दिया। हमें नहीं लगता कि अब तुम कुछ कर पाओगे, सिर्फ बातें हैं तुम्हारी। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो यहाँ आएगा, लेकिन उस सब में थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा सब्र से काम लो, फिर देखना कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक होगा। लेकिन ये कैसे होगा? खानदान कैप्टन का, इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे हम, और हमारे प्लान के मुताबिक वो खुद चल कर आएगा और घुटने टेकेगा अपने। कितना मजा आएगा, है ना? आए। आपा, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, तुम परेशान मत। जब मैंने एम्बुलेंस को देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई थी आपा। सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अम्मी आप क्या ढूंढ रही हैं? अरे भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं कुछ ढूंढूं यहाँ पर? अरे एरन भी यही है। अरे कैसा है मेरा शहजादा? कुछ हुआ है क्या? मुझे नहीं मालूम खदीजा आपा, मुझे तो खुद कुछ नहीं पता। आपा की तबीयत की वजह से मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। तुम तो ठीक हो ना यल्दिज? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, कुछ खाया तुमने? नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। चलो अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ बना कर देती हूँ। अरे मेरी जान, ये क्या किया तुमने? अरे अरे ठीक हो? ठीक है ना मेरा शहजादा? लेफ्टिनेंट, उन दरिंदों की तादाद बहुत ज्यादा है, हम उनसे कैसे लड़ेगी? परेशान ना हो यहिया साहब, कोई हल निकाल लेंगे। मैं चाहता हूं कि हम भी आपके साथ इस मिशन में शामिल रहें। हम में से बहुत से लोग हथियार चलाना जानते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप वहां पर एहतियात से बैठ जाएं और होशियार रहे। लेकिन आपके बाकी साथी कहां हैं? उनका नजर ना आना ही बेहतर होगा हमारे लिए। अपना काम शुरू कर दो। ओके सर, शुरू करते हैं। याया साहब, स्वॉट टीम रेडी।
कहाँ है वो सब? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यकीन है कि वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होंगे। वो कुछ सिपाहियों और शहरियों का छोटा सा काफला है अबुशाम, वो और कहीं नहीं जा सकते। غالب کوئی بچ کے نہ جائے۔ کوئی نہیں بچے گا سر۔ क्या हो रहा है? कहां चुप हो? गाड़ी को घुमाओ, घुमाओ गाड़ी को। हर किसने? मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। पागलपन मत करो, गाड़ी को घुमाओ, गाड़ी को घुमाओ फौरन, गाड़ी घुमाओ, वापस चलो सर। आप ठीक हैं? हम सब ठीक है मुराद, लगता है हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। ओके सर, कोई और ऑर्डर? वहीं रुकना होगा मुराद, ये लोग फिर से अटैक कर सकते हैं। ओके सर। मुराद, थोड़ी बुलेट्स और गन्स हमें और चाहिए होंगी। ओके सर। बहराम, यहां मौजूद असलहे को चेक करो, वहां जरूरत है। ठीक है सर, जैसा आप कहो। एमरे मेरे साथ आओ। क्या चाय पिएंगी सिल्वर सुल्ताना? अम्मी, 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 अम्मी। अल्लाह खैर करे, कहाँ चली गई आपा? अम्मी, आपने कहीं अम्मी को देखा है खतीजा आपा? नहीं यिल्दिज, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, अंदर नहीं है? कहीं नजर नहीं आ रही। वो कहाँ जा सकती हैं? पता नहीं, यहाँ तो नहीं है, कहाँ जा सकती हैं? आ जाओ। हाँ बोलो इलियास। सर, सेल्वर साहिबा आई हैं। उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए तुम? मैंने कहा भी पर वो मानी नहीं, वो दरवाजे पर ही इंतजार कर रही हैं। सेल्वर साहिबा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। आप अंदर क्यों नहीं आई मेरे पास? वो आप मसरूफ होंगे इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। खैरियत? मुझे जरूरी बात करना है आपसे। जी जरूर फरमाइए, क्या कहना है? मुमकिन हो तो अकेले। जरूर आइए।
यहाँ तशरीफ रखिए। कहिए। दरअसल पहले तो मैंने सोचा कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपके पास आना ज्यादा मुनासिब रहेगा। वो कागान तो नहीं है ना यहाँ? मुझे देख तो नहीं रहा वो? सेल्वर साहिबा, बात क्या है? वो बात ये है कि अगर उसने देख लिया तो वो जरूर पूछेगा। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि इस वक्त कैप्टन कागान कहाँ है, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है, ऐसी क्या बात है जो आपने पुलिस के पास जाने का सोचा? उसकी कॉल आई थी। किसकी? किसकी कॉल? उसने कहा कि कैप्टन कागान उसका पुराना दोस्त है, और फिर उसके बाद उसने मुझसे वो सब कहा। ये आप किसकी कॉल की बात कर रही हैं? वो साइकलॉप्स। क्या आप उस दहशतगर्द साइक्लॉप्स की बात कर रही हैं सेल्वर साहिबा? क्या कह रहा था वो आपसे? वो ऐसी बात कर रहा था जैसे मजाक उड़ा रहा हो मेरा। उसने कहा कि कैप्टन कागान उसे जानता है, बल्कि सारे सिपाही उसे जानते हैं। और हाँ, फिर मेरे मरहूम शोहर के बारे में बात की, वो भी उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बल्कि उसी ने उन्हें उनको अपने हाथों से मारा था। जानता हूं, सब जानता हूं। मैंने हमेशा दुआ की और ये उम्मीद लगाई कि मेरे बेटे का अपने बाप के कातिल से कभी सामना ना हो, लेकिन वही हुआ कर्नल। और जब से कागान फौज में भर्ती हुआ तो मुझे एक अनजाना सा खौफ था, मगर एक उम्मीद भी थी कि कहीं वो मर खप गया होगा। मगर मेरा खौफ आज मेरे सामने खड़ा है। लेकिन जब इतने सालों बाद उस शैतान की आवाज सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शौहर का अभी कत्ल हुआ हो। गम ताजा हो गए मेरे साथ, मगर अब वो मेरे बेटे का दुश्मन बन चुका है। दुश्मन बन चुका है कर्नल। अब क्या होगा? खुद को संभालिए सेल्वर साहिबा। आप उसके कमांडर हैं, अब आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं मैं आखिर? सेल्वर साहिबा, मेरी बात अब गौर से सुनिएगा। उस घटिया इंसान का मकसद है कैप्टन कागान को परेशान करना। वो चाहता है कागान कोई गलत कदम उठाए। वो अपनी इन हरकतों से उसे गुस्सा दिलाना चाहता है। शायद वो कागान की कमजोरियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और वो इसी का फायदा उठाकर कागान से उल्टा सीधा कुछ करवाना चाहता है। हाँ, मगर कागान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। जानता हूं, इसीलिए आप उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। आप समझ रही है ना मेरी बात? कुछ भी नहीं। मैंने बमुश्किल ये बात अपनी बेटी से छुपाई है। मैं ये कैसे कर पाऊंगी? अगर आपने ऐसा ना किया तो वो दहशतगर्द आपसे
वो सब करवाने में कामयाब हो जाएगा जो वो चाहता है, आपकी और आपकी बेटी की हिफाजत। अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको मोहतात रहना होगा, समझिए। आप परेशान ना हो, अब इस मामले को मैं खुद देखूंगा। हम कागान और उसके खानदान को उस कमीने के आगे अकेला नहीं छोड़ सकते कभी, आप बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। सेल्वर साहिबा, प्लीज मजबूत बने, आप उसकी मां हैं। शायद इसीलिए आप परेशान हैं कि कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं उसका कमांडर हूं, उसे जानता हूं अच्छी तरह। बहादुर मगर जज्बाती है, अगर आप खुद को मजबूत रखेंगी तो कागान इससे गुजर सकता है, क्योंकि फौज के कैप्टन को सख्त और मुश्किल हालात में भी पुरसुकून रहने और अपने आप पर काबू रखने की ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन वो उसके बाप का कातिल है, उसी की वजह से हुआ वो यदि। वो आदमी मेरे बेटे का एक डरावना ख्वाब बन गया, और जिसने उसका लड़कपन बर्बाद करके रख दिया। ये ना तो कोई ट्रेनिंग है कर्नल, और ना ही कोई पेशा, ये तो एक ऐसा अनचाहा कर्ज है कि जिसके बाद सिर्फ कयामत आती है। कहाँ जाना है मैडम? मुझे एडवोकेट के दिए गए इस पते पर जाना है, तुम जरा देख लो उसको। ठीक है। क्या हो रहा है सब? तुमने तो कहा था कि उनकी तादाद बहुत कम है, तो ये क्या है, खामोश क्यों हो? हाँ, कम थे। कम लोग हैं ये, मेरे 19 लोग मारे गए और वो भी बस 5 मिनट में, और तुम अब भी ये कह रहे हो कि इन लोगों की तादाद कम है? वो तादाद में तो कम ही थे। हाँ, 19 बंदे मारे गए, लेकिन इस बात का उनके कम ज्यादा होने से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हारे आदमियों में दम ही नहीं था। हाँ, तुम सही हो, वैसे तो तुम्हारे आदमी अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, लेकिन जहां बात जंग की आई तो तुम्हारे आदमियों पर तोर्कबाजी ले गए। चुप हो जाओ, अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो तुम। अबू शाह, वो सिर्फ चंद तुर्क फौजी थे, मुझ पे गुस्सा करने से उनका क्या बिगड़ेगा? हाँ, अब तुम मेरा गिरेबान पकड़ के ही खड़े रहोगे, या तुम्हारे पास इस मसले का कोई हल भी है? बताओ क्या करना है। शाबाश, सोचते हैं कि आगे क्या करना है। आओ अबू शाम, आओ। देखो, उनकी मौत का सामान अबू शाम। क्या मतलब है इसका? असलहा तो है नहीं उनके पास, और ज्यादा देर वो रुकने वाले है नहीं। अगर हम ऐसे हालात पैदा कर दें कि उनका असलहा खत्म हो जाए, समझे? अभी तो पूरी रात बाकी है अबू शाम, इस तरह क्यों नहीं सोचते? जब मेरी अम्मी जिंदा थी तो खदीजा उनसे मेरी बहुत तारीफ करती थी।
क्या आपने इनकी बहुत अच्छी परवरिश की है अम्मी, कि ये तो लड़कियों की तरह शाइस्तगी से बात करते हैं। उसने वाकई लड़की कहा तो? सर अब आप भी शुरू हो गए, कम से कम इन लोगों के सामने तो ना करें। अब जरा मुझे अपने उस फौजी के बारे में तो बताओ कि कैसा इंसान है वो। एक सर फिरा शख्स है। असलहा तो है नहीं उनके पास और ज्यादा देर वो रुकने वाले है नहीं, समझे? सर क्या आप जख्मी हुए हैं? सर आप ठीक तो हैं? एम्बुलेंस जल्दी करो सर के पास जाओ।